Yogendra Yadav is an Indian activist, author, psephologist, and politician. He holds a senior fellowship at the Center for the Study of Developing Societies, CSDS. Yadav was part of the national executive of the Ayam Admi Party until 2015. He is one of the founders of Swaraj Abhiyan, which means Independence Campaign, and Jai Kisan Andolan, which stands for Hail the Farmer Activism. Additionally, he was the founding national president of Swaraj India, Independent India, a registered political party. Yadav is widely recognized in the media for his highly accurate election predictions with a success rate of 90%. In a recent BBC interview, he spoke about the future of the Muslim community. सांस लेने की गुंजाइश बनेगी। बस उतनी देर। मैं अपने इतने मुस्लिम दोस्तों को जानता हूँ। कैसे उन्होंने ये पिछले साल गुजारे हैं? परिवारों को मैं जानता हूँ। और जब वो मिलते थे और दोस्त गले मिलते हैं, तो उनके गले मिलते वक्त उनकी बांह किस तरह मुझे लपेटती थी मैं जानता हूँ। सरकार नहीं बदली। लेकिन ये जो उसका खौफ था, ये जो था कि ये तो रगड़ देंगे, खत्म कर देंगे, वो चला गया है। और वो बहुत बड़ी बात, मैं बार बार कहता हूं, इकबाल बहुत बड़ी बात होती है। वो इकबाल चला गया। और अगर मैं मुसलमान होता, मैं कैसे इस चुनाव को देखता? दुख दुख करता था दिल कई लोगों का, है ना। और इतना तो लगा होगा, एक दोस्त ने कहा कि ऐसा लगता है कि हवा में ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ गई है ना। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब होगा। सीए लागू करेंगे, सब कुछ होगा। फर्क इससे नहीं पड़ता कि सरकार क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि उसके खिलाफ बोलने में का मादा, उसके बोलने की हिम्मत है कि नहीं है। इस इलेक्शन ने वो हिम्मत दे दी है। और इस इलेक्शन ने एक और बड़ा काम किया, इससे एक मुसलमान के बारे में मुझे हमेशा लगता था कि उसे क्या लगता होगा कि यार ये सब कुछ हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, सब हो रहा है, और इस देश की जनता उस पर दना दन ठप्पा लगाए जा रही है। मैं कौन हूँ इस देश में, मेरी क्या वजूद है? इस इलेक्शन ने उसको इस देश के लोकतंत्र में कुछ आस्था दी होगी। और दुनिया आस्था से चलती, ये मंदिर मस्जिद वाली आस्था नहीं, ये जो आस्था है, आस्था, इकबाल, ये बड़ी चीजें होती हैं। तो उसने वो दिया, बाकी लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी। और इस देश की सेकुलर पॉलिटिक्स का भी जो ढोंग और पाखंड रहा है, उसको सीधा करना भी जिम्मेवारी है। लंबी लड़ाई है, लेकिन उसके लिए एक दरवाजा नहीं, एक रोशनदान खुल गया है। बहुत बड़ी बात है।